वेलकम माय फ्रेंड। वेरी फर्स्ट आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन एडवांस्ड। मैं आपकी कामयाबी के लिए आपको बधाई देता हूँ एडवांस में, क्योंकि ये चीज़ तो तय है, कामयाबी आपको मिलके रहेगी। और इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि 90% पॉपुलेशन डांस, कॉमेडी, गाने देखने में व्यस्त है, लेकिन इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होने के बाद भी कोई एजुकेशनल कंटेंट आपको अट्रैक्ट कर रहा है। इट मीन्स आपने जो गोल बनाया है उसके लिए आप डेस्परेट हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आपके अंदर लगन है, और आपकी मेहनत का एक जर्रा भी बेकार नहीं जाएगा। दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। और कोरे कागज पे लिख लीजिए कि जो आपने गोल बनाया है बहुत जल्दी आप उसको अचीव कर लेंगे, और तब मुझे याद करना कि आई एम द फर्स्ट गाय टू हु कॉन्ग्रेचुलेटेड यू फॉर योर सक्सेस इन एडवांस। एडवांस में मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश के बारे में मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज बता देता हूँ। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश कभी भी पीसेज में नहीं सीखी जा सकती है, इंग्लिश आपको इकट्ठी आएगी। वन डे यू विल रियलाइज ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश ऑटोमेटिकली। हाउ वुड दैट कम, वो कैसे होगा? सबसे पहले तो एक ये जो शब्द है ना, ये वाला जो शब्द है, इसको बिल्कुल डिलीट मार दो अपनी डिक्शनरी से, लाइफ के किसी भी पोर्शन पर। ये शब्द सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, इजी कुछ भी नहीं होता है, और जो चीज इजी होती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इजी के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा हार्डवर्क जो व्यक्ति करता है उतना ही उसको समाज इज्जत देता है, सम्मान देता है। अब बात करते हैं दोबारा से, इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करो। व्हाट यू हैव टू डू, वट एवर यू सी अराउंड यू, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू योर सेल्फ ओनली। खुद को बताने की कोशिश करो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पूरा दिन हमारे माइंड में कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं, उन ख्यालों को ट्रांसलेट करो। जैसे कि अभी मैं बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग इन अ रूम, मैं वीडियो बना रहा हूं, आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आई विल अपलोड वीडियो। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, देन आई विल गो डाउन स्टेयर्स। उसके बाद मैं चाय पीऊंगा, आफ्टर दैट आई विल टेक सम टी। उसके बाद मैं कुछ और करूंगा, आफ्टर दैट आई विल डू समथिंग एल्स। अभी क्या हो रहा है कि इसको मैंने इस प्रोसेस को स्लो किया। इतनी सारी चीजें मात्र 2-1 सेकंड 3 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो जो भी चीज आपको दिखती है आसपास उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो अपने दिमाग में, और जस्टिफाई करो कि मैंने सही बोला या नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं बोलनी आएंगी, तो उनको याद कर लो कि भैया ये क्वेश्चन मुझे लाइव सेशन में पूछना है। देखिए, मेरे रोजाना लाइव क्लासेस होती हैं शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक। यू विल सी मी लाइव ऑन द सेम चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखिए, मैं हर घंटे पर इंग्लिश का एक वीडियो डालता हूँ, हर घंटे पर आपको एक इंग्लिश का डोज मिलता रहेगा। कभी ऑपोजिट वर्ड्स, कभी वर्ब्स, कभी प्लूरल थिंग्स, कभी बेसिक सेंटेंसेस, इस प्रकार के 8-9 बार आपको शॉर्ट्स मिलते रहेंगे। हर रोज 2 लॉन्ग वीडियोस आते हैं प्रैक्टिस सेशन के, जिनमें हम स्टोरीज बताते हैं, सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं और उनका ग्रामर और कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और तीसरा, सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक, यू विल सी मी लाइव। मैं रोजाना शाम को 7 से 9:30 बजे लाइव होता हूँ। जो भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप आएंगे, कमेंट में आपने जो भी माइंड में क्वेश्चन लेके रखे हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और एट ए टाइम जब आपको आंसर मिल जाएगा तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ऑलराइट, 100 ही मैक्सिमम सेंटेंसेस हैं, फॉर्मूले जिनको कहा जाता है। 100 फॉर्मूलेज अगर आपको याद हो जाते हैं 100 सिचुएशंस के लिए, देन यू कैन स्पीक एनी काइंड ऑफ इंग्लिश एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। लिसनिंग बहुत जरूरी है। दूसरी चीज और बता देता हूं मैं आपको, लिसनिंग स्टार्ट करनी है आपको। और लिसनिंग का मतलब इंग्लिश के गाने नहीं सुनने हैं, इंग्लिश मूवीज नहीं देखनी है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट हैं, वो कॉन्वर्सेशन नहीं है। आप किसी का इंटरव्यू देखने की कोशिश करिए,
और इंटरव्यू जब आप देखेंगे तो उसके अंदर सेंटेंस पे फोकस करिए कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। और उससे भी ज्यादा बढ़िया, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर हमने एक एक स्टोरी को तोड़ के, एक एक टुकड़े में तोड़ के समझा हुआ है कि ये स्टोरी सुनने में इतनी भयानक लग रही थी, इसमें छोटे छोटे सेंटेंस ही थे और उनको हमें अलग करना आ गया। सेंटेंस को अगर आप अलग करना सीख लेंगे, देखिए छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, कोई बहुत बड़े सेंटेंस कोई बड़ा नहीं होता है। जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग बाथ, मैं सोच रहा हूँ नहाने का, सोच रहा हूँ मैं, आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग बाथ। अभी इसमें मैंने क्या किया, इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन इसके अंदर मैंने दो छोटे छोटे सेंटेंस बोल दिए। आई एम थिंकिंग ऑफ, ये बना हुआ फॉर्मूला है मेरे पास, और किस बारे में सोच रहा हूँ, नहाने के बारे में, आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग बाथ। जब भी आप कोई काम करने का सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ अंग्रेजी सीख लूँ, मैं सोच रहा हूँ अंग्रेजी सीख लूँ, या फिर मैं अंग्रेजी सीखने का सोच रहा हूँ यार, आई एम थिंकिंग ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो हर सिचुएशन को बताने के लिए आपके पास में रेडीमेड सेंटेंस होता है, और वो सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप मेरे सेशन में कर सकते हैं, वीडियोस पे कर सकते हैं। गो थ्रू ऑल द वीडियोस, दो दो तीन तीन बार देखोगे, आई कैन गिव यू द गारंटी, इफ यू वॉच एटलीस्ट 1 आवर सेशन फॉर 3 डेज, यू वुड हैव लर्न अराउंड 95% ऑफ इंग्लिश। सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, कोई आपको ट्रांसलेशन ग्रामर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। इट डज नॉट मीन कि ग्रामेटिकली हम गलत बोलेंगे, मेरे प्रैक्टिस सेशंस में आपकी ग्रामर, वोकेबलरी, सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। थोड़ी बहुत कमी होगी, वो परफेक्ट हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि इस तरीके से हमारे उन वीडियोज को डिजाइन किया गया है कि मैं दो एक सेंटेंस बताता हूँ, उसके आधार पर फिर चार पांच आपसे बनवाता हूँ। जब आप सेंटेंसेस खुद बनाने लगेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। ऑल राइट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, और शाम को 7 से 9:30 तक लाइव आइए, बहुत सारी बातें करेंगे।